डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। चुनाव आयोग शनिवार को 3 बजे लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है। इस बीच कांटे की टक्कर वाली मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतार कर सभी को चौंका दिया है। भानु प्रताप सिंह पिछले काफी समय से ईवीएम को संदेह के दायरे में रखते हुए तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, लिहाजा इस बार लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही होना चाहिए। उधर भाजपा ने अभी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अभी भी इस बात का संशय है कि भाजपा अपने 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर एक बार फिर से दांव लगाएगी अथवा किसी अन्य चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी देवव्रत त्यागी के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा तैयारी करने की बात कह दी गई है। अब रही ओबीसी की पार्टी, अभी तक माना जा रहा था कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सकती है और ओबीसी तो उतारेंगे ही, लेकिन सपा ने भानु प्रताप पर मोहर लगाकर भाजपा की परेशानी और बढ़ा दी है। लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुस्लिम राजनीति पर केंद्रित रहा है, लेकिन यदि एक बार फिर से यह हालात बनते हैं तो ओबीसी की पार्टी के प्रत्याशी के लिए ये शुभ संकेत हो सकते हैं। भारतीय राजनीति के केंद्र में 2014 से स्थापित भाजपा ने पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और इसके बाद दूसरी सूची में 72 लोगों के नाम की घोषणा की गई। इन दोनों ही लिस्ट में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का नामोनिशान नहीं था। दोनों ही सूची में भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित न होने का अर्थ सभी लोगों ने अपने मन मुताबिक निकाला। किसी ने कहा कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटेगा, इसलिए ही अभी तक इस सीट पर किसी का नाम तय नहीं किया गया है, तो तभी यह आवाज भी आई कि राजेंद्र अग्रवाल को ही इस बार फिर टिकट मिलेगा, इसलिए ही इस सीट को अंतिम समय के लिए बचाकर रखा गया। दरअसल माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और मेरठ हापुड़ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट इस बार कट जाएगा, ऐसा काफी समय पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने संजीव बालियान पर तो मोहर लगा दी, लेकिन राजेंद्र अभी प्रतीक्षारत हैं। आज भाजपा से टिकट पर मजबूत दावेदारी करते हुए पंजाबी समाज भी मैदान में कूद गया है। संयुक्त पंजाबी संघ ने शिक्षाविद व जाने माने उद्योगपति राजेश दीवान को टिकट देने की भाजपा नेतृत्व से मांग कर डाली है। संघ ने यहां तक कह दिया है कि यदि राजेश दीवान को टिकट नहीं मिला तो लंबे समय से भाजपा से जुड़ा हुआ पंजाबी समुदाय कुछ और सोचने पर विवश होगा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने आज 7 प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इनमें मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। भानु प्रताप सिंह का नाम मेरठ की राजनीति के लिए भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ईवीएम से चुनाव कराने की खिलाफत करते हुए इन दिनों खासे चर्चा में है। मूल रूप से वह बुलंदशहर के रहने वाले हैं। भानु प्रताप को इन दिनों सपा में चल रही भारी खींचतान का फायदा मिल गया है। मेरठ से शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, अतुल प्रधान में योगेश वर्मा के बीच चली आ रही खींचतान का फायदा भानु प्रताप ले गए। वह दलित समुदाय से आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।